नमस्कार, मैं हूं अभिषेक विजय। आप देख रहे हैं एक्सिस 24। खाने का कोई धर्म होता है नहीं, ये सवाल तब उठा जब अमित शुक्ला नाम के एक शख्स ने सिर्फ डिलीवरी लेने से इसलिए मना कर दिया जोमेटो से, क्योंकि जो डिलीवरी गाय था वो मुसलमान था। जिसके बाद जोमेटो ने उनके इश्यू को रिजोल्व करने से मना करते हुए, जोमेटो जो सीईओ है उन्होंने ट्वीट किया और कहा फूड हैज नो रिलीजन, खाने का कोई धर्म नहीं होता है। हालांकि इस मामले को लेकर के लोग काफी तरह के बात करने लगे, हलाल झटका हो जैसे बात आने लगी कि हलाल, फिर मुसलमान जो है वो सिर्फ हलाल खाते हैं तो सिर्फ आप हलाल क्यों डिलीवर कर रहे हैं, आप झटका डिलीवर कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सिर्फ हलाल मीठी खाते हैं, लेकिन बाकी जो कम्युनिटी है हिंदू क्रिश्चियन इन लोगों के साथ ऐसा कुछ है नहीं, वो लोग खा सकते हैं। लेकिन सवाल दूसरा यह आ रहा है कि अभी जो रिसेंट मामला है, अभी का जो मामला है वो है मैकडोनल्ड्स इंडिया के साथ। मैकडोनल्ड्स इंडिया से एक लड़की ने ट्वीट करके पूछा कि क्या जो मैकडोनल्ड्स इंडिया भारत में जो मीट सप्लाई करती है तो वो क्या नॉनवेज जो सप्लाई करती है वो क्या हलाल सर्टिफाइड है। जिसके बाद मैकडोनल्ड्स इंडिया ने इसको करते हुए कहा कि हम जो है गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो है मीट जो सप्लाई करते हैं वो हलाल सर्टिफाइड है, इसको कंफर्म करते हुए कहा। और ये भी कहा कि आप जाकर के किसी भी आउटलेट पे जाकर के आप मैनेजर से मांग सकते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, आप उनको दिखाइए। बहरहाल इस पर जो है राजनीति तेज हो गई। आप जानते हैं देश में कुछ भी होता है तो हिंदू मुसलमान होना बहुत जल्दी चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। और उसके बाद उस पर काफी जो लोग हैं उन्होंने ट्वीट किया और उसमें से प्रमुख ट्वीट में है अभिजीत मजुमदार का, जिन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वंस अगेन हियर इट इज प्रूव दैट फूड हैज नो रिलीजन। आपको बता दें कि जो मैकडोनल्ड्स ने ट्वीट किया था कि हाँ हम हलाल सर्टिफाइड मीट देते हैं, जिसके बाद जो है उनके खिलाफ ट्विटर पे काफी लोगों का आक्रोश निकल गया और जो है ट्विटर पे बायकॉट मैकडोनल्ड्स इंडिया जो है वो ट्रेंड होने लग गया और लोगों ने मैकडोनल्ड्स को जो है काफी ज्यादा ट्विटर पे लताड़ा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें और लगातार इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब करें।